हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माह एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम कंप्यूटर के और मोबाइल के जो पीसीबी होते हैं तो उसमें से गोल्ड निकालने वाले हैं। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जो कंप्यूटर होते हैं या मोबाइल के इस तरह के पीसीबी होते हैं उसमें गोल्ड पाया जाता है। क्या ये सही है? तो आज इसी की हम कुछ रिसर्च करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि इसमें हमें गोल्ड मिलता है या नहीं, और मिलता है तो देखेंगे हम इसे निकालने में सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक, हम निकालेंगे इसमें का गोल्ड। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो जल्दी से तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास कुछ कंप्यूटर का और मोबाइल का स्क्रैप, जैसे कि ये रैम और मोबाइल के पीसी भी हो गए, ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा इसमें से गोल्ड रिकवरी करके देखा जाए आज। तो चलिए इसको मैं जहाँ जहाँ पे हमें गोल्डन कलर के जो कंपोनेंट नज़र आते हैं उसे हमें काट कर इस बीकर में डालना होगा। तो चलिए मैं इसे पकड़ से काट काट कर इसमें डाल देता हूँ फटाफट। इससे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है थोड़ा कवर हो सके। तो देखिए, ये कुछ कीपैड आते थे पहले ऐसे मोबाइल के, नोकिया वगैरह में, तो इसमें ये जो गोल्डन कलर के आपको दिख रहे हैं उसमें थोड़ी मात्रा में गोल्ड रहता है, तो इसको हम इसमें काट के डाल देंगे। बाद में हम इसमें नाइट्रिक मिला देंगे। नाइट्रिक तेजाब क्या करेगा कि जैसे गोल्ड, आपको पता होगा नाइट्रिक एसिड सिवाय गोल्ड को छोड़ के हर मेटल को खा लेता है, तो इसमें हम बाद में अभी नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। देखिए, पूरा जो कंपोनेंट है हमने इस बीकर में डाल दिया है, अभी हम नाइट्रिक एसिड इसमें मिला देते हैं। कहाँ गया हमारा नाइट्रिक एसिड? तो ठीक है, ये रहा। तो चलिए इसी को ले लेंगे, ये रहा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, तो ग्लव्स वगैरह हाथ में पहन लीजिए। तो देखिए, इसमें से जो ये धुआं नज़र आ रहा है ये काफ़ी जहरीला होता है, काफ़ी टॉक्सिक्स होता है ये, तो इससे आप सेफ्टी बनाए रखें। और ये जो करेंगे आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये खुले में कीजिए, क्योंकि इससे प्रॉपर वेंटिलेटर एरिया ज़रूरी होता है। अगर इसे रूम में करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी उठाना पड़े, क्योंकि ये जो धुआँ होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, अरे काफ़ी इससे मतलब हानि होती है, तो ये खुले में करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जब तक कि ये येलो कलर सॉरी रेड कलर का जो धुआँ आ रहा है इसे हमें तब तक ऐसे जलन देना है। बाद में हम इसे अच्छे से क्लीन वाटर से धो लेंगे, साफ कर लेंगे इसको। देखिए ठीक है, इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। हाथ में सेफ्टी ग्लव्स पहन लीजिए, सेफ्टी इज फर्स्ट। और चलिए अभी इससे मैं जो हमने कंपोनेंट इसमें नाइट्रिक में डाले थे उसे छान लेंगे और सबको फिर से एक बार फिल्टर कर लेंगे, और जो जो कंपोनेंट बचे हैं उसको फिर से बारीकी से एक बार फिल्टर करके हम फिर से बीकर में डाल के इस बार हमको हीट दे के इसमें नाइट्रिक एसिड में लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसे हीटर पे रख दिया है, ये हीटिंग प्लेट आती है स्पेशली लैब के लिए, तो उस पर हमने ये रख दिया है। अभी इसे हम काफ़ी देर तक, लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही बॉयल होने देंगे। तब क्या होगा, जो पूरे वेस्टेज कंपोनेंट है जैसे कि लोहा वगैरह, कॉपर, वो तो सब जल जाएंगे, उस सिवा गोल्ड का इसमें मतलब जो गोल्ड आता है वो, जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रिक जो होता है गोल्ड को नहीं खाता है। तो देखिए ये हो गया है, तो इसे भी हमें फिर से अब धो लेना होगा पानी से। तो देखिए, इसे मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, पानी डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी इसे अच्छे से दो तीन पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में बताने के लिए 10 मिनट की हो सकती है वीडियो, लेकिन इसको काफ़ी समय लगता है, लगभग 3-4 घंटे लगे थे मेरे को। तो देखिए, काफ़ी सारे उसमें गोल्ड के कंपोनेंट चमक मार रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे नहीं पता नहीं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड के हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसकी को हम रिकवर करेंगे, देखेंगे कितना गोल्ड हम इसमें हमें हाथ में लगता है हमारे को। चलिए इसको मैं छान लेता हूँ, हमारी जो चाय की छन्नी आती है उसी से छान लेंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी मात्रा में इसमें गोल्ड है, तो इसे अभी हमें
फिर से नाइट्रिक एसिड डाल के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के इसको डिजोल्व करना होगा। जो गोल्ड होता है वो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व हो जाता है, जिसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है। चलिए इसमें मैं नाइट्रिक डाल देता हूँ पहले, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक डाल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इतना मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिला दिया है। अब इसमें हम लगभग 30% और नाइट्रिक एसिड मिला देंगे। ये रहा KNO3। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे KNO3 मिला दिया है। अभी इसका रिएक्शन होने का है बाकी। अभी इसे हम हीटर पे रख देंगे और इसका रिएक्शन होने देंगे, क्योंकि अभी जो गोल्ड है वो इसमें पूरा डिजोल्व हो जाएगा और ये पूरा जो है इसका सॉल्यूशन बन के इसका गोल्ड क्लोराइड तैयार हो जाएगा। बाद में हम इसे अलग कर सकते हैं, वो अलग एक केमिकल है आगे आपको दिखेगा ही। उसको डालने से पूरा डिजोल्व होने, जो गोल्ड इसमें मिल गया होता है वो अलग हो जाता है इससे। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। तो देखिए जो रेड वाला धुआं था वो ख़त्म हो गया है। तो फिर से हम इसे छान लेंगे और जो वेस्टेज है उसे फेंक देंगे और इसे मैं एक बीकर में डाल देता हूँ अभी छान के। तो ये अभी हमारा गोल्ड क्लोराइड कह सकते हैं, इसे सॉल्यूशन है गोल्ड का ये। तो इसमें अभी गोल्ड है, तो अभी हम इसमें एक केमिकल मिलाएंगे। तो कहाँ गया हमारा केमिकल, कहाँ गया, ये रहा, इसे कहते हैं सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। तो इसे मिलाने के बाद ये जो गोल्ड है हमारा पूरा नीचे बैठ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा सोडियम मेटाबाई सल्फाइड हम इसमें मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में जो गोल्ड के कंपोनेंट है पूरी नीचे बैठ जाएंगे। ये जो धुआं होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे छान लेता हूँ, जो एसिड है उसे गिरा दिया हूँ। देखिए ये जो नीचे बैठे हुआ है ये हमारा गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है 24 कैरेट। तो इसी को अब हम थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे हीटिंग प्लेट पे, ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए, इसकी पाउडर बन जाए। बाद में हम इसे कसूटी पे लगा लेंगे और देखेंगे कितना गोल्ड हमारे हाथ में आता है। तो देखिए ये सूख चुका है। तो देखिए ये जो पाउडर है मैं इसे अच्छे से जमा कर लेता हूँ। काफ़ी कम मात्रा में मिला है यार, देखेंगे अभी ये कितना बनता है इससे। देखिए इतने सारे कंपोनेंट और काफ़ी कम मात्रा में हमें ये पाउडर मिली है गोल्ड की। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे डाल दिया हूँ। यहाँ पे हम इसे बोरेक्स पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी, जिसे सुहागा भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ पर हम थोड़ा इसे डाल देते हैं, ताकि जो गोल्ड है उसकी मतलब चमक अच्छे से आए और ये अच्छे से मेल्ट हो सके। तो चलिए मैं इसे बर्नर से अभी मेल्ट करूँगा और देखेंगे हमारे हाथ में कितना गोल्ड आता है। तो देखिए गोल्ड का जो है यहाँ पे बर्न हो रहा है गोल्ड, और जो गुठली बन चुकी है गोल्ड की एक छोटी सी, काफ़ी सारा स्क्रैप था और काफ़ी छोटी सी हमें इसमें से गोल्ड की एक छोटी सी टिन्नी सी, एक देख सकते काफ़ी छोटा सा एक लाइक मनी जैसी एक छोटी सी गिटली मिल गई है बना के। तो देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है, इसे हम पानी में डाल देंगे अभी। ये गर्म है अभी इसलिए नहीं आ रहा है हाथ में। चलिए इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसे मैं पानी में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया हूँ। ठीक है, हो गया हमारा काम। चलिए इसे मैं निकाल लेता हूँ, देखेंगे अभी इसका वेट भी करेंगे हम। इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बन गया है। देखिए काफ़ी छोटा सा एक छोटा सा मनी बन गया है इसका मेल्ट करने से, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है हमें। तो क्या मालूम कितना है, लगभग 1 ग्राम के आसपास होना चाहिए। चलिए अब इसका वेट कर लेते हैं, पहले से 0 होने देंगे हम स्केल को। हो गया 0। तो चलिए इस पे हम इसमें जो हमने टिनी सा छोटा सा
मनी बनाया है गोल्ड का, उसको डाल देते हैं। देखिए 68, मतलब 1 ग्राम से भी कम है, 65 मिलीग्राम है ये सिर्फ। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये चमक मार रहा है, प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो बाजू में सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।